तो दोस्तों सबसे पहले इसे दूध पिलाएंगे। मैं दूध लाना भूल गया था तो अभी इसलिए मैं दूध लेने गया था। बहुत नीचे से काटा है, बच्चे भी बहुत ज्यादा नीचे से, बच्चे नहीं पीते, इसको तरीका नहीं आता, मैं खुद ही काट देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है। जो मेरा फर्स्ट चैनल था वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया है किसी रीज़न की वजह से। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शॉप में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं। बेसिकली हमारे शॉप पे तो नहीं, हमारे शॉप के साथ हमारी एक गोदाम है जहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती है, वहाँ पे बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। तो आज के व्लॉग में मैं उसे कवर करूँगा और उसे हम सबसे पहले दूध लेंगे शॉप से और हम उसे दूध पिलाएंगे। और 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है, कलरफुल बच्चे हैं। तो जाते हैं वहाँ पर और आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलो इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं। और आप मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले आप ये जगह देख लीजिए, गोदाम है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंद मचा हुआ है, ठीक है। इसकी हम साथ साथ में सफाई करते हैं लेकिन फिर भी ये अक्सर गंदा ही रहता है क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना कोई काम ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलें अब चलते हैं बिल्ली की तरफ, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत बच्चे माशाल्लाह से, कल नहीं परसों रात को दिए हुए थे, आज तकरीबन 1-1.5 दिन हो गए उन बच्चों को। चलो मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसे दूध पिलाएंगे। मैं दूध लाना भूल गया था तो अभी इसलिए मैं दूध लेने गया था और अभी ये उसे पिलाएंगे। उसकी माँ जो है ना बाहर निकलेगी और फिर मैं आपको बच्चे जो हैं तसल्ली से दिखाऊँगा, तो फिर आप देख पाएंगे। तो चलो ये दूध देते हैं पहले इन्हें। तो दोस्तों हारिश भी आ चुका है और ये भी बिल्ली के लिए बोतल काट रहे हैं। बहुत नीचे से काट रहे हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा नीचे से, बच्चे नहीं पीते से काटे। हाँ छोड़ो, अभी कट गया ना, नहीं कटा, तुम्हें तो तरीका ही नहीं आता है। यहाँ से काटो, ऐसे नहीं ना यार, इसको तरीका नहीं आता है, मैं खुद ही काट देता हूँ। ये चूड़ी इतने पोस है। सबसे पहले ये हटाएंगे, फिर हमें नजर आएगा कि कहाँ से काटना है कहाँ से नहीं। अभी आप देखना। अच्छा हारिश ऐसे कर रहा था, ऐसे नहीं करना है। देखो आप लोग भी सीखो, मैं भी सीखता हूँ। कट गया। इसमें ये है ना, इसमें रुअफ़ज़ा भी है ना, तो रुअफ़ज़े वाले दूध ही पी लेंगे, है ना। दोस्तों ये रहे बच्चे माशाल्लाह, कितने प्यारे हैं, आप देख सकते हैं। ये इनकी माँ है और ये बच्चे हैं। मैं अभी फोकस करने की कोशिश करूँ, माशाल्लाह देखें, ब्लैक एंड वाइट है ये। तो दोस्तों अभी तो आप खैर क्लियर नहीं देख पाएंगे क्योंकि इनकी माँ इनके पास बैठी हुई है। मैं इसे दूध रखता हूँ, इनकी माँ यहाँ आएंगी ना साइड पर, तो फिर आप क्लियर देख पाएंगे। चलो सबसे पहले इसे दूध रखते हैं। असल में हारिश बात ऐसी है ना, इसलिए नहीं निकल रही यहाँ पे और भी बिल्ले हैं जो कि इन्हें नुकसान पहुंचा सकते, इसलिए ये नहीं निकल रही। देखिए आप, इसलिए दूध देखने के बावजूद भी ये नहीं निकल रही। शायद करीब कर दूँ आ जाए लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। जितने सुने ना, बिल्लियों के लिए दूध ठीक नहीं है, इनका जो बाल होता है वो गिरने लगता है। नहीं यार क्या पता, ठंडा तो नहीं है। ठंडा है यार, ठंडा तो है लेकिन गर्मी भी है ना यार बाहर। अभी पी रही है लेकिन हम थोड़ा यहाँ पे करेंगे तो आप वीडियो में भी देख पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है और ये कब से पी रही है माशाल्लाह, और अच्छी बात है कि पी रही है क्योंकि अभी इसे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। बच्चे आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं। वाइट भी है, ब्लैक एंड वाइट भी है, कलरफुल बच्चे हैं, मतलब माशाल्लाह सब मिक्स कलर है, कोई भी एक वाइट कलर ऐसा मतलब एक कलर नहीं है, सब मिक्स है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा आप देखें ये तो दोस्तों दूध तो हमने बिल्ली से थोड़ा दूर रखा था लेकिन वो नहीं पी रही थी क्योंकि अपने बच्चों के पास से वो नहीं उठना चाह रही थी। यहाँ पे और भी बिल्ले हैं जो आके हमला कर सकते हैं, इसलिए तो हमने दूध इसके करीब ही रख दिया था, दूध इसके करीब रख दिया था और इसने पी भी लिया है। थोड़ा सा रह गया है, वो हो सकता है बाद में पी ले अगर और बिल्ले ना आए तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसने दूध पी ले और हम भी चाह रहे थे कि ये पिए क्योंकि ऐसे अभी ज़रूरत है इन चीज़ों की। और अगर आप यहाँ पे देख सकें ना, यहाँ पे कचरा कितना ज़्यादा है, ये आप देखिए दूध का डब्बा, दूध का डब्बा आप देखिए, यहाँ पे आप गोश्त का निशान देख सकते हैं, जितनी भी ज़्यादा तेलियाँ पड़ी हुई है ना, ये देखें ये देखें, ये सब जो है ना हम इनके लिए गोश्त लाए हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कचरा है। हम इनको इंशाल्लाह ज़रूर साफ़ करेंगे। यहाँ पे और भी बिल्ले हैं जिसे हम खाना वगैरह खिलाते हैं, तो इसका अजर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर देगा। और मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मेरा सेकंड चैनल है। फ़र्स्ट चैनल पे तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए थे तकरीबन 4 महीनों में, और मैं उस पर तकरीबन 4 महीने मैंने लगातार व्लॉगिंग की, उस पर मैंने वीडियोज़ चढ़ाए, लेकिन यूट्यूब वाले ने उस चैनल को डिलीट कर दिया। और अब मैं इस चैनल पर इंशाल्लाह मेहनत करूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, यही था आज के हमारे व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल और बर्ड्स लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।